तो गाइस बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि भाई अपना सेटअप टूर दो, कैसे आप वीडियो बनाते हो, कैसा अपना लाइटिंग सेटअप है और क्या कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो कैमरा के लिए और एडिटिंग किस टाइप से करते हो, किस सॉफ्टवेयर से करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा अपना सेटअप टूर, अपना वीडियो कैसे बनाता हूँ, अपना पूरा कंप्लीट सेटअप टूर देने वाला हूँ। अगर आप एक बिगिनर है, नए यूट्यूबर हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो काफ़ी कम बजट का है। तो ये जो मेरा पूरा सेटअप है, लाइट, माइक और ये ट्राइपॉड, सब कुछ का कॉस्ट काफ़ी कम है। 1500 रुपये से कम में मैंने ये पूरा सेटअप बनाया है और ये वीडियो की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। अपने मोबाइल से कुछ इस तरह के वीडियोस में शूट कर पा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सबकी मैं कॉस्ट बताने वाला हूँ अलग अलग, किस चीज़ के मुझे कितने पैसे लगे और कैसे मैंने ये पूरा सेट कर रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो गाइज मेरे पास दो ट्यूबलाइट्स है जो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देता हूँ, और जब भी मुझे वीडियोस बनाने होते हैं तब मैं इन्हें नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह से इस वायर को खोल के यहाँ पर एक ट्यूबलाइट को इस साइड पर रख देता हूँ और एक और को यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं रख देता हूँ, और फिर यहाँ इनका जो वायर है उसको इस मेन बोर्ड में लगा देता हूँ अपने चार्जर के साथ कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसके पिन नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर चार्जर को यहाँ लगा देता हूँ ताकि वायर निकले ना, और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से मैं ऑन कर देता हूँ। और फिर देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट हो चुकी है लाइटिंग। ये लाइट से दो ट्यूबलाइट से मेरे पास, और ये मेरा बेड है जहाँ पर मैं सोता हूँ। यहाँ पर एक कूलर पड़ा है और ये कूलर है, और सामने ये अलमीरा है मेरे पास। हाथ में देख सकते हैं ट्राईपोड है मेरे पास एक, और मेरा जो मोबाइल है वो है ओप्पो A52 जिसमें मैं शूट करता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह से ये मैंने सेट कर दिया है, और अभी देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल और ट्राईपोड है, और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं वहाँ पर कोने में बैठकर वीडियोस बनाता हूँ, तो ये देख सकते हैं। तो ये जो मेरी ट्यूबलाइट्स है ये मैंने अभी ख़रीदी, यहाँ पर डेट भी डाल रखी है क्योंकि 2 साल की वारंटी में है ये। 200 रुपये की एक, यानी कि 400 रुपये में दोनों मुझे मिल चुकी थी मार्केट में। तो ये मेरे पास एक ट्राईपोड है 250 रुपये का, मैंने लोकल मार्केट से लिया है, और लाइट्स को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर बीच में ट्राईपोड को रख कर यहाँ पर अपना मोबाइल सेट कर देता हूँ। मेरा माइक है बोया BY-M1 जो कि मैं यहाँ पर शर्ट के अंदर लगा देता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए। तो ये मुझे डेली कंप्लीट करना होता है, उसके बाद कुछ इस तरह से मैं वीडियोस शूट करता हूँ। कुछ यहाँ पर बैठकर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरे वीडियोस शूट होते हैं। बैकग्राउंड में 2 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक एंड सिल्वर, जो कि एक वॉल का है और एक इधर अलमीरा का है। तो कुछ इस तरह से मेरे वीडियोज़ शूट होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपना सेटअप कंप्लीट करके फिर वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में 2 कलर आप लोग देख सकते हैं, जो एक अलमीरा का है और एक जो वॉल का पेंट है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज़ ये तो था मेरा पूरा वीडियो शूट करने का प्रोसेस, इस तरह से मैं वीडियोस को शूट करता हूँ। अब एडिटिंग की बात करें तो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, जिससे आप किसी भी तरह के वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल इंटरफेस होता है, उसी से मैं एडिटिंग करता हूँ। तो गाइज़ कैसा लगा मेरा ये एक छोटा सा लो बजट का सेटअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।